सर्विसेज, उसमें 100% खुली छूट दे दिया। अब इसमें क्या होगा, 100% खुली छूट सर्विस का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर कोई भी बिल्डिंग बनाए और उसमें बेचने का धंधा करे। माने अब तक विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती थी, वो भी उनको खुली छूट मिल गई। कंस्ट्रक्शन में ये होने वाला है। तो सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 64 सर्विसेज हैं इधर नॉन रेलवे में भी यही है। रेलवे में क्या होने वाला है, भारत के लिए कंडीशन है WTO में कि सरकार कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकती। कोर सेक्टर का माने जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ऐसे सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है दुनिया में। तो WTO की कंडीशन है कि आप कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकते। रेलवे अभी तक ऐसी सर्विसेज है जो कोर सेक्टर में आती रही है। अब रेलवे भी खोलना पड़ेगा आपको, तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए। तो इसका माने क्या है, रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने, अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो उस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, दिल्ली से हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके इसीलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो, ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए। इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी, और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है, दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए, और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है और सरकार उसको देने में भी बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़े दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अमेरिका की खानपान की एक कंपनी जिसको मैकडॉनल्ड कहते हैं ना, हर बड़े रेलवे स्टेशन पर इनका वो बन जाएगा। अभी क्या कहेंगे उसको, रेस्टोरेंट या जो भी कहें, तो अब वो सब उनके हाथ में जाएगा। खान पीन की सर्विसेज मैकडॉनल्ड के हाथ में। ऐसे ही पानी की सर्विसेज लेने के लिए ये तैयार हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला। माने रेलवे स्टेशन पर दो ही बोतलें मिलेंगी, एक्वाफिना या तो वो दूसरी क्या बोतल है, किल्ले, यही बोतल पानी की मिलेंगी। और पानी की जो टंकी वंकी होती है ये सब बंद करी जाएंगी। अभी पानी रेलवे स्टेशन पर जो फ्री आप पी लेते हैं, दो साल के बाद नहीं मिलेगा आपको, हर पानी बिक्री से उपलब्ध होगा। फिर दूसरा जो करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी कंपनियों को दुकानें खोलने की परमिशन देने जा रहे हैं। ये बहुत सारी कंपनी, अभी तो क्या होता है, दो ही तीन तरह की दुकानें आपने देखी होंगी, एक तो व्हीलर और एक तो वो सर्वोदय बुक स्टॉल, गीता प्रेस गोरखपुर। अभी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं मैगजीन्स लेके, उनको दुकानें खोलने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस को। और उनके अलावा और भी कई दुकानों को रेलवे स्टेशन पर खुली छूट मिलेगी। तो अभी सभी स्टेशन को चौड़ा किया जा रहा है, आपने महसूस किया है, आजकल सभी स्टेशन चौड़े किए जा रहे हैं, स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियां आने की तैयारी है, अलग अलग सर्विसेज में घुसेंगी। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे गरीब लोग केला बेच लेते हैं स्टेशन पे, सेब बेच लेते हैं, संतरा बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, ये सब अभी बंद होंगे, ये सभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर बड़ी ट्रेन्स में
उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, इनको एक एक करके दिया जाए कंपनियों को जो इनकी हैंडलिंग करें। तो रेलवे में ये सब होने के लिए सारी मगजमारी इस समय चल रही है। एक छोटा अच्छा काम यह हुआ है कि ये जो जब से लालू यादव आया है इसने उसी स्पीड को स्लो कर दिया है। ये अगर निकल गया रेलवे से, दूसरा कोई भी मिनिस्टर आ गया वो इसको फास्ट कर देगा, क्योंकि लालू यादव में 50 खराबियां हों लेकिन उसमें एक अच्छाई है, वो विदेशी कंपनियों का धुर विरोधी है। वो इतना विरोधी है विदेशी कंपनियों का, वो ये कहता है कि मेरा बिहार भूखे मर जाए, मैं बिहार में किसी विदेशी कंपनी को कारखाना नहीं लगाने दूंगा, और आज तक उसने लगने नहीं दिया। 15 साल के बिहार के शासन में एक भी विदेशी कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने लगने नहीं दिए। वो धुर विरोधी है विदेशी कंपनी। और उसके रेलवे में आने से प्राइवेटाइजेशन रुक गया, वरना अगर कोई दूसरा आ जाता, सिंधिया टाइप का कोई आदमी आ जाता, तो अब तक तो आधा रेल बिक चुका होता। वो देशी और गवई आदमी है लालू यादव, तो इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका सपोर्ट लिए बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए कांग्रेस थोड़ी शांत है। अगर कांग्रेस के पास फुल मेजोरिटी होती तो अभी पिछले एक साल में रेलवे का आधा हिस्सा बिक गया होता। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, रेलवे के पास जो जमीन पड़ी हुई है ना, हर जगह आप देखते हैं रेलवे ट्रैक के इधर उधर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने की तैयारी में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने पर, और उसका किराया आए। जिन्नी जमीन जिनकी है किसानों की, उनको देने को तैयार नहीं है जिनसे लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, यार्ड में हैं और जगह जगह, वो सब बेचने के लिए। तो रेलवे के सेक्टर में WTO आने पर ये प्राइवेटाइजेशन 100% होने के हैं। ऐसे ही बसेस में होगा, बहुत सारे राज्य सरकारों को सीधे आदेश दे दिया है कि आप अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में तो हो गया, महाराष्ट्र में होने की तैयारी है, सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद होंगे, WTO की कंडीशन है। प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, एयरलाइंस का। एयरलाइंस में निजी कंपनियों को अब सारे खोल के देने पड़ेंगे। अभी आजकल हमारे यहां खुली आकाश नीति चल रही है, माने जिन सेक्टर पर सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, वो सब सेक्टर अभी जेट एयरवेज के लिए, सहारा एयरवेज के लिए, प्राइवेट एयरवेज के लिए खोल दिए गए। तो ये सभी WTO की कंडीशंस के तहत है। मैंने आपसे कहा ना 64 सर्विसेज हैं, उसमें रेलवे है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस तो फाइनेंशियल में, नॉन फाइनेंशियल में रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वकालत है, ये सब आती हैं। सब में छोड़, पेट्रोलियम भी उसी में आता है नॉन फाइनेंशियल। नहीं, रिलायंस के साथ अभी इन्होंने किया है, रिलायंस वाला सर्विसेज में एंटर हुआ है WTO की कंडीशन। अब तक क्या था कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार की ही कंपनियां काम कर सकती थी, लेकिन अब WTO की कंडीशन के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुले हैं। तो रिलायंस ने जगह जगह पेट्रोल पंप खोले हैं, आपने देखा होगा, और समझबूझकर जानबूझकर 2-2.5 रुपए कम दे रहा है वो, ताकि एक बार लोगों की भीड़ आकर्षित हो जाए, फिर उसके बाद भारत के पेट्रोल पंप जो है वो थोड़े घाटे में आए तो फिर ये महंगा करे। है, शेल ने भी खोला है। हाँ, शेल ने भी खोला होगा। सर्विसेज में सभी जगह दरवाजे खोलने, 100% इक्विटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना, वो भी सर्विसेज में ही आता है। उसमें क्या करना है, ऐसे कुछ क्षेत्र बनाने हैं जहां पर आने वाली विदेशी कंपनियों को कोई टैक्स ना देना पड़े, कुछ भी करें वहां पे टैक्स नहीं भरना पड़े, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी सिक्योरिटी अपनी, उनके रूल अपने, उनके रेगुलेशन अपने, भारत की सरकार का बनाया हुआ कोई नियम कायदा कानून वहां नहीं लगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो ये है, टैक्सेस नहीं होंगे कोई भी, तो सस्ता होगा, और वहां कुछ भी करें
जैसे कोई अमेरिकन कंपनी आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना कारखाना लगा ले, दीवारें ऊंची कर दे और अंदर हथियार बना के पाकिस्तान को सप्लाई करे, कुछ नहीं कर सकते आप। हम लोगों ने एक बार ये लड़ाई लड़ी थी, कंडला बंदरगाह जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, वहां एक कारगिल कंपनी आई थी नमक बनाने के नाम पर, वो यही करने वाली थी, तब हमने बहुत विरोध किया था और वो भाग भी गए वहां से। लेकिन अब स्थिति यह है कि आपको कानूनी बनाना पड़े उसके लिए। पहले तो वो गुजरात सरकार की मर्जी से आई थी कारगिल, अब केंद्र सरकार की बाध्यता है, कारगिल आए तो उसको दोबारा वो वहां पे जमीन दे दें और कुछ नहीं हो सकता। पहले तो बहुत लड़ाई हमने लड़ी उसमें और जमीन भी वापस हुई, केस भी हम जीते। लेकिन अगर अब हम केस करें कारगिल वहां आए तो कोर्ट कहेगा कि ये तो WTO की कंडीशन, हम क्या करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत तकलीफ देह होने वाला है क्योंकि सारी विदेशी जासूसी गतिविधियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही संचालित होंगी, क्योंकि वहां पुलिस नहीं जा सकती, पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं जा सकता, आर्मी भी स्पेशल कंडीशन में ही जा सकती है, और इन विदेशियों को जासूसी गतिविधियां तो करवानी ही पड़ती हैं, तो वो वहीं से संचालित करें। ज्यादातर देशों में जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं वो ऐसे ही धंधे होते हैं, वहां जासूसी के बड़े धंधे हैं। सभी अरब देशों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और अमेरिका की सारी जासूसी के धंधे वहीं होते हैं, और अमेरिका ने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर कई देशों पे पूरा कब्जा ही कर लिया। ओमान नाम का एक देश है, वहां पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये घुसे, आज पूरे ओमान पे कब्जा कर लिया इन्होंने, पूरा ओमान अभी अमेरिका की छावनी बन गया। तो ऐसे ही तरीके हैं उनके, और ये बेचारे छोटे छोटे गरीब गरीब देश हैं, भारत की तुलना में तो बहुत ही छोटे हैं, और उनके शासकों को तो कुछ भी नहीं समझता है, भारत में तो थोड़ा बहुत कुछ भी समझता है, तो जैसे जैसे आती है व्यवस्था वैसे वैसे वो हां करते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। आज ओमान पूरा का पूरा अमरीका के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की दो कंपनियों ने पांव रखा था, आज पूरे देश पर अमेरिका का कब्जा ओमान पे। समय बहुत खराब आ रहा है इस देश में, ये जो WTO की कंडीशंस हैं ये सब है, और जितना खराब समय है दुर्भाग्य हम सबका इतना ही ये है कि भारत की जनता को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, साधारण लोगों को तो उससे भी ज्यादा नहीं मालूम, और भारत की जनता को नहीं मालूम हो ये सब बातें, इसके लिए 12-13 साल से इस देश में एक बड़ा भारी काम हुआ है। उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो बहुत चौंकाने वाली बातें निकलेंगी। पिछले 10-12 साल में जानबूझकर इस देश में क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, और इतना प्रमोशन किया गया है कि समाज का सोचने वाला वर्ग क्रिकेट में फंस जाए और बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दे। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, WTO की कंडीशंस लागू, वैसे वैसे क्रिकेट का प्रमोशन इतना ज्यादा हुआ है, एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा, हाँ दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा, तीसरा खत्म नहीं होता, मैच पे मैच लगे रहें ताकि सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे। ये बहुत समझ के हो रहा, और जो मैच नहीं देखे वो सास भी कभी बहू थी ये देखता रहे, तेरी मेरी कहानी इसकी कहानी उसकी कहानी देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, फैशन टीवी देखता रहे, ये चैनल देखे वो चैनल देखे, तो फंसा रहे वो, माने सोचने के लिए नया विचार उसके दिमाग में ना आए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि भारत का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो इसमें सबसे आगे आना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा खामोश बन के 10-12 साल से देश को लुटता हुआ देख रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये 12 साल से हुआ, ये तो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई देता है। जिन घरों में परिवारों में पहले टीवी नहीं था उनको जरा पूछो जाके कि कैसे होता था, सवेरे से शाम तक की हर गतिविधि पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, अखबार में ये खबर आई है, मैगजीन में ये खबर आई है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होने वाला है क्या नहीं, एक कुतूहल होता था, उत्सुकता होती थी। या हम पड़ोसियों के पास जाते थे, पड़ोसी हमारे पास आते थे, मोहल्ले में चौपालें लगती थी, गांव में चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी, बहस होती थी, रिश्तेदारों के यहां हम जाते थे, रिश्तेदार हमारे यहां आते थे, ये सब होता था। लेकिन जब से ये घर घर में सास भी बहू थी,
तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, ये जो चैनल आ गए और क्रिकेट का मैच आया, सब घर में सारी व्यवस्था टूट गई। अब कोई किसी रिश्तेदार के यहां जा नहीं रहा है, कोई किसी के यहां आ नहीं रहा है। गलती से आप कहीं चले भी जाओ तो टीवी चालू है, तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप एक वर्ग जो भारत का कर्मठ है, कर्मशील है, उसको क्रिकेट में फंसाओ, और दूसरा वर्ग जो घर व्यवस्था को संभाल सकता है उसको सास बहू में फंसाओ। हाँ, सवेरे से शाम तक यही मनोरंजन हो गया। और आपके पास जब इतना एंगेजमेंट आ गया, अब आप देश की सोचोगे क्या, समाज की सोचोगे क्या, करोगे क्या? तो 10-12 साल में ये बहुत व्यवस्थित हुआ है। इससे एक तरफ ये लूट खसोट चालू हुई है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए उसके लिए जो वर्ग मदद कर सकता है उसको फंसा दो टीवी में, और टीवी में क्रिकेट में, क्रिकेट से सीरियल में, सीरियल से सिनेमा में, सिनेमा के बाद और थोड़ी कुछ बकवास में। और आप देख लो आज इस देश का जो एजुकेशन से लगा हुआ वर्ग है, विद्यार्थी अध्यापक, वो भले कितनी परीक्षा पे परीक्षा हो, क्रिकेट देखने से नहीं चुकेगा, भले फेल हो जाए इम्तहान। और वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि भारत में दीवानगी कहां तक पहुंची है, तो समझ बूझ के ऐसे समय में क्रिकेट मैच रखते हैं जब परीक्षा जरूर हो। हाँ, तो अब वो देख लिया उन्होंने कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है, तो वो समझ गए कि अब ये जुनून बहुत ऊपर तक पहुंच गया। अब इस जुनून को एनकैश कराते रहो और दिमाग आपका इधर लगाते रहो, वही हो रहा है। और क्रिकेट के मैच में जब सारे देश को यह पता चल गया है, पहले तो कोई मानता नहीं था इस बात को, अब तो सब कुछ खुल गया है कि सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, भारत पाकिस्तान, ये पहले ही फिक्स है। एक मैच भारत जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ। और अभी जो सीरीज चल रही है इसमें भारत एक मैच से जीतेगा, दो भारत ने जीत लिए, अभी दो पाकिस्तान जीतेगा, आप लिखो इस बात को, और आखिरी मैच भारत जीतेगा। हाँ, ये पहले से फिक्स है सब। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में मैच हुआ था भारत का। अच्छा, मैच तो चालू हुआ ही नहीं था, टीम गई थी भारत की, तो लंदन टाइम्स में छप गया सब एडिटोरियल पेज पे कि भारत और पाकिस्तान के ये जो श्रृंखला है वो फिक्स हो गई है, और जो रिजल्ट थे वही आए वहां पे। और ये जो अभी आखिरी मैच हारा है इन्होंने, ये जो टेस्ट मैच हारा, कौन सा मैच हारा जिसमें दो दो तीन तीन रन पे, वो फिक्स था पहले से, हार नहीं है इनको, तो हर एक को दो दो तीन तीन रन बना के जाना है। तो अभी सब कुछ खुल गया। अच्छा, तेंदुलकर फंसा है इसमें मैच फिक्सिंग में, मोहम्मद अजहरुद्दीन तो खुलेआम स्वीकार कर चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई रिपोर्ट आ गई है, सारे बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सर हैं, मैनेजर तक मैच फिक्सर है, जगमोहन डालमिया फंसा हुआ है मैच फिक्सिंग में, सब कुछ मालूम है, फिर भी भीड़ 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 बढ़ती चली जा रही है, तालियों पे तालियां, मालूम है कि छक्का पड़ेगा चौका पड़ेगा, ताली मारने की कोई बात नहीं है, फिक्स है पहले से, लेकिन पागलपन बढ़ रहा है। अच्छा, मैं पहले कहता था तो लोग कहते थे आप तो खप्पी आदमी है, मैच फिक्स होता, अब सब खुल गया है तो कहते क्या फर्क पड़ता है, हो गया फिक्स, लेकिन हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें, मजा आता है, तो काम छोड़ के मैच देखते रहो, धंधा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, नौकरी छोड़ो, मैच देखो, छुट्टी ले लेके मैच देखो, काम का हर्जाना करके मैच देखो। बिल्कुल सही बात। और ये अंग्रेज तो ठंड में क्रिकेट खेलते थे धूप खाने के लिए, और यहां देखो भयंकर अप्रैल की धूप पड़ी है, क्रिकेट चल रहा है, है? हाँ, सर्विसेज में, सर्विसेज में, हाँ, नहीं, ये जो है हेल्थ सेक्टर है, इसमें सर्विसेज में ये भी आता है, इसमें मतलब क्या है, विदेशी कंपनी कोई भी भारत में आके हॉस्पिटल खोल सकती है,
और कोई भी पैथी लाके हिंदुस्तान में इलाज करा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो मजाक में कह रहा था कि रूस से एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेके कोई आ सकता है लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अब डब्ल्यूटीओ की कंडीशन ये है कि आप उसे मना नहीं कर पाएंगे अगले साल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन रशियन यूनिवर्सिटीज की डिग्री को मान्यता नहीं दिया आज तक, उन सभी को मान्यता देनी पड़ेगी अगले साल क्योंकि डब्ल्यूटीओ की कंडीशन। तो अब विदेशी डॉक्टर आएंगे, अपनी अपनी डिग्री लेके आएंगे, आप उनको परमिशन दीजिए, और उनको परमिशन दीजिए, जगह जगह वो दुकान खोलेंगे, कोई चाइनीज थेरेपी लेके आ गया, एक्यूपंक्चर, कोई कुछ लेके आ गया, कोई सब अपना अपना टिम्बकटू यहां चलाएंगे। वो कहेगा ये ऐसे टांग उठा लो तो ये वजन कम हो जाएगा, वो ऐसे हाथ उठा लो तो, धंधे चल रहे हैं ना, ये गोली खा लो तो भूख ही नहीं लगेगी, बिना खाने के काम चलता रहेगा, ये गोली खा लो तो कल ही वजन इतना कम हो जाएगा फलानी, ये सब अब धोखाधड़ी चलेगी इस देश में। कुछ तो शुरू हुई है, अब कुछ खुलेआम चलेगी। अब बड़ी विदेशी कंपनियां यहां हॉस्पिटल्स की चेन खोलने जा रही, वो चेन क्यों खोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में टूरिस्ट बहुत आते हैं तो हम टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करें, इलाज भी कराएं वो यहां आके, टूरिज्म के साथ इलाज। तो भारत के आयुर्वेद को और थोड़ा एलोपैथी को मिक्स कर करा के वो खिचड़ी तैयार कर रहे हैं एक पैकेज, और उसमें लगे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने के लिए। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत में क्यों आते हैं, उसका कारण ये है कि ये सबसे सस्ता देश है टूरिज्म के हिसाब से, जितने सस्ते होटल यहां उपलब्ध हैं दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं, और हर चीज उपलब्ध है कम पैसे में इस देश में, दूसरे देशों में तो बहुत महंगा है। इलाज भी सबसे सस्ता भारत में ही है क्योंकि आयुर्वेद अभी भी बहुत सस्ता उपलब्ध है इस देश में। और ये नेता लोग लगे हैं कि हम जो है ना हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म डेवलप करें, तो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अब ये सब कंपनियां आ रही हैं। केरल में कई उन्होंने वो शुरू किए हैं केंद्र, अगले एक आध साल में बन के तैयार हो जाएंगे, उनमें ये सब विदेशी आके इलाज कराएंगे, भारतवासियों को भी कहा जाएगा आप भी कराओ, ये सब है। और डॉलर्स में पेमेंट दो और आप उनको ले जाने के लिए खुली छूट, और भारत का आयुर्वेद भारत में ही बेचेंगे, मुनाफा वो खुद कमा के ले जाएंगे, योग को बेचेंगे, प्राणायाम को बेचेंगे, नेचुरोपैथी को बेचेंगे, और ये सब चीजें पेटेंट की दुनिया से बाहर रही अभी तक हमारे यहां, हमने कभी इन पर पेटेंट दिया हुआ नहीं है, तो उनके लिए बहुत खुले हुए हैं रास्ते। अब पहली बार पेटेंट एक्ट चेंज हुआ है लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य में तकलीफ दो आने वाली है वो ये, एक तो दुनिया भर की रिजेक्टेड दवाएं यहां लाके डंप करेंगे, अभी तक जितनी होती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी आप उनको रोक नहीं पाएंगे, पहले तो रोकते थे आप, अब रोकेंगे नहीं, डब्ल्यूटीओ की कंडीशन, कुछ भी दवा लाएं, कुछ भी बेचें, कितना भी मुनाफा कमा के ले जाएं। दूसरा कि अब आपके यहां जो मेडिकल टूरिज्म है उसको लगाएंगे ये विकास के रास्ते पर, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो जगह जगह होटल कम स्पा एक शब्द होता है, स्पा खोलेंगे वो, स्पा माने होटल कम मेडिकल सेंटर, ट्रीटमेंट भी मिलता है होटल भी होता है जगह जगह को, और उसमें भारत की जो सर्विसेज की दूसरी इंडस्ट्रीज है वो मदद करें, जैसे कंस्ट्रक्शन में मदद होगी उनसे, भारत की बैंकें उनको लोन उपलब्ध कराएंगी, अगर वे भारत की किसी बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करे तो तबाही मचाने की स्थिति कर दें, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, ये सब होने वाला है। हाँ, और वो थोड़े दिन में बंबई से लंदन या वॉशिंगटन, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की जा रही है, एक साल के बाद भारत की बैंकों को विदेशी बैंकें खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, तो उनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन आपका करके फिर वो खरीदें आपको, उस सुविधा में सरकार लगी हुई है। फंड्स ब्लॉक ही नहीं हो सकते, उड़नछू हो सकते हैं, एक माउस के क्लिक से आपके हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे खतरा यह है सेंट्रलाइजेशन का। वो क्या करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको टाटा बीएसएनएल का किस्सा मालूम है,
बीएसएनएल में टाटा ने इन्वेस्ट किया। परिणाम क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर बीएसएनएल के पास जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे टाटा ने वो सारे अपने यहां ट्रांसफर कर दिए। हुआ था ना कि नहीं, बीएसएनएल के, हाँ बीएसएनएल के रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने उसको अपनी इंडस्ट्रीज में लगा दिया, बवाल हुआ। और इसी की परमिशन इसने दिया था प्रमोद महाजन ने, जिस पर बाद में उसकी कुर्सी गई। तो उन्होंने फंड ट्रांसफर किए तो टाटा ने तर्क दिया कि जी अब तो हमने इसको टेक ओवर कर लिया है, हम जो करें वो करें। ऐसे ही भारत की बैंकों को टेक ओवर करके आपकी बैंकों में जो फंड्स पड़े हैं वो एक दिन में रायपुर से लंदन ट्रांसफर करें, आप क्या करेंगे उसका है? मार तो आप खाएंगे, मार इसलिए खाएंगे कि आप सामने हैं और आपका कंट्रोलर कहीं और है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उन्होंने पूंजी निवेश कर दिया तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो लंदन में बैठी है, न्यूयॉर्क में बैठी है, आप तो उनके आदेश पर काम करने वाले लोग हैं। वो आपको आदेश कहेंगे कि ये यहां ट्रांसफर करो, ये यहां ट्रांसफर करो। जनता कहेगी जी आपने किया बदमाशी, वहां ऊपर से आएगा आदेश। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो बैंकों में अभी शुरू हुआ है ये तो फंड्स ट्रांसफर करने में मदद करे इसके लिए हुआ है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज सेक्टर होता है उतने ही फंड्स जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं, उनको ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज हो गया पूरा, एक कंप्यूटर से जुड़ गया पूरा, अब उस कंप्यूटर पर बैठ के कुछ भी करो आप। और दो चार बार जानबूझ के वो सिस्टम फेल करेंगे ताकि जनता आपसे नाराज होती रहे, थोड़ी गालियां आपको और मिले। आप सोच रहे हो कि जी वहां से कंप्यूटर फेल है, वो फेल करा दिया उन्होंने एक दिन दो दिन, यहां जनता गाली देना शुरू करे, थोड़े दिन में ये गालियां इतनी बढ़ जाएं कि वो टेक ओवर ही कर लें कि जी अब आप नहीं चला सकते, हम करते। और बैंकिंग में उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन की खुली छूट मिल गई इस साल। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की कोई भी बैंक को विदेशी बैंक खरीदे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कई बिचारी छोटी छोटी बैंकें बिकने को तैयार हैं इस समय। और बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन जब था इस देश में तो जो लूटपाट होती थी उससे परेशान होकर नेताओं ने, जनता ने दबाव डाल के इनका नेशनलाइजेशन कराया था। अब वापस आप प्राइवेटाइजेशन में चले जाइए, 1977-78 में 69 में, हाँ श्रीमती इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव था, बहुत दबाव था। उस दबाव में पब्लिक का इतना दबाव था कि इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए नेशनलाइजेशन करना पड़ा। आपको मालूम है कांग्रेस टूट गई थी उस समय, तो कांग्रेस का जो टूटा हुआ वर्ग था वो नेशनलाइजेशन की बात कर रहा था। तो इंदिरा गांधी को भी उनके कंपटीशन में आने के लिए नेशनलाइजेशन की बात करनी पड़ी। निजलिंगप्पा करके एक बड़े लीडर हुआ करते थे कर्नाटक के, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और कांग्रेस के दो हिस्से उन्होंने करा दिए थे। एक हिस्सा इंदिरा गांधी के साथ था, इंदिरा गांधी उस समय बहुत कमजोर थी, एकदम नई नई थी, कोई ज्यादा कांग्रेस में उनको भाव नहीं देता था। निजलिंगप्पा पुराने लीडर थे, तो कामराज, निजलिंगप्पा, ये पुराना साउथ का सारा ग्रुप था, ये नेशनलाइजेशन में लगा हुआ था कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, सबका नेशनलाइजेशन हो, क्योंकि जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी होती थी। ये प्राइवेट कंपनियों ने बैंक खोले हुए थे, टाटा बिरला डालमिया ये सब लूटने में लगे हुए थे उस समय, बैंकों में भी बीमा में भी। तो निजलिंगप्पा ने नारा दिया था नेशनलाइजेशन का, तो इंदिरा गांधी के सामने मजबूरी हो गई थी कि अगर चुनाव जीतना है तो नेशनलाइजेशन करना पड़े। तो चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन लाया था और उस पर वो चुनाव जीती। बाद में फिर वो जो बांग्लादेश युद्ध हुआ उससे थोड़ी उनकी ताकत बढ़ी और धीरे धीरे अपने प्रभाव को, क्योंकि जनता की तरफ से इतना बवाल हो रहा था उस समय, कोई भी सरकार आती उसको नेशनलाइजेशन करना ही पड़ता, बिना किए वो टिक नहीं सकती थी। जैसे आज वैट का विरोध करना ही पड़ रहा है कई राज्य सरकारों को, नहीं तो टिक नहीं सके, वैसे ही हालत थे उस समय 69, उन कंडीशंस में ये हुआ था नेशनलाइजेशन। हाँ
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इनका है, सवेरे से मैं इंतजार कर रहा था ऐसा कोई सवाल पूछे। WTO को कैंसिल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। WTO के पहले अध्याय का 16वें नंबर का अनुच्छेद,